हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सत्यम शिक्षा सदन डियर स्टूडेंट आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सिक्स का जो टॉपिक नेम है डिजिट्स यानी इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिट क्या है और डिजिट जो है कितने टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है यानी कितने टाइप्स के डिजिट होते हैं और उसे किन किन ग्रुपों में डिवाइड किया गया है और डिजीज जो है हमारे बॉडी में क्यों उत्पन्न होता है क्या कारण होता है क्या रीजन होता है इसके बारे में समझेंगे तो अस स्टार्ट टू नो फर्स्ट व्हाट इज डिजीज ए डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज़ नॉट एबल टू फंक्शंस प्रॉपरली यानी बीमारी जो है एक ऐसा असामान्य स्थिति है जिसमें हमारा शरीर जो है सही तरीके से काम करने के एवल नहीं होता यानी काम करने के लायक नहीं होता है यानी अगर बीमारी के हम अवस्था में होते हैं तो हम कोई भी काम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हमारा बॉडी जो है किसी भी तरह के काम को करने में सक्षम नहीं हो पाता है ए प्रॉपर अमाउंट ऑफ वैरियस न्यूट्रियस आर टू बी कंज्यूम्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रोपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी रेस्टोरेंट यहाँ पे दिया गया है कि एक उचित मात्रा में पोषक तत्व जो होता है हमारे बॉडी को क्या करता है कॉन्ज्यूब करता है यानी इकट्ठा करता है अगर हमारे बॉडी में प्राप्त होता है तो वो जो है न्यूट्रिय जो होते हैं वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को हर भाग को प्रॉपर तरीके से मैंटेन करके रखते हैं और हमारे बॉडी जो है अच्छे तरीके से संचालित हो पाता है द न्यूट्रिय शूड नाइदर नॉर कंज्यूम्ड इन एक्सेस नॉर देयर शूड बी डिफिशियंसी ऑफ देम इन अस एज बोथ कंडीशन में लीड टू डिजीज अगर हमारे बॉडी को हमारे बॉडी को जो है अत्यधिक मात्रा में भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है और ना न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी भी होना चाहिए ना हमारे बॉडी में इसकी कमी भी होना चाहिए यानी एक प्रॉपर मात्रा अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो हमारा तो बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है अगर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी भी होती है तब भी हम हमारे बॉडी में डिजीज होंगे अगर एक्सेस भी होता है तो भी हमारे बॉडी में जो है डिजीज का कारण पैदा होता है यानी आप इस पॉइंट समझेंगे कि हमारे बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स की ना अधिकता चाहिए और ना ही कमी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में जितना हमें बॉडी को आवश्यकता है सिर्फ उतना ही हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है ताकि हमारे बॉडी जो है सही तरीके से संचालित हो सके और बिल्कुल स्वस्थ रहें द डिजीज कैन बी क्लासीफाइड इन टू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पे डिजीज जो है दो वर्गों में डिवाइड किया गया है वर्गीकृत किया गया है फर्स्ट है संक्रामक रोग और एक है असंक्रामक रोग यानी डिजिट जो होते हैं जो बीमारियाँ होती हैं तो दो वर्गों में विभाजित की जा की गई है फर्स्ट जो होते हैं संक्रामक बीमारियां और सेकेंड जो है असंक्रामक बीमारियां डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक बीमारियां जो है क्या हैं और ये कैसे फैलती हैं इसका लक्षण क्या होते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही देड श्योर